अच्छा। उनका जुमला उमला सब गया अच्छा। इस तो बार में लगता है कि मोदी जी खूब जुमला देते हैं, जुमला वही है तो जुमला देंगे, पूरा जुमला ही दिए ही है वो। बाहर में जाके खाली बड़ा बड़ा फोटो खींचा लेना है शरीर ना, पलवान जिसका सीना है उसे जाके लड़ जाइए ना, जंतर मंतर बैठा है पटक देगा उठा के कोई भी। सीना से क्या हो गया वहाँ पे, आपको ताकतवर प्रधानमंत्री कौन होता है जो जनता को सुखी रखे सब काम करे। ताकतवर ही क्या हुआ कि जाके सीना दिखा के फोटो खिंचवा रहे हैं, मैं पलवानी के लिए थोड़ी भेजा गया आपको। कल इंग्लिश बोल रहे हैं अच्छा। क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं, बम बम बनाते हैं। क्या बम बनाते हैं? हाँ बनाते थे पार्ट टाइम में, अब नहीं बनाते हैं। बम बनाते थे? हाँ अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो बम बना के क्या करते थे भाई? ऐसे पटाखा के रूप में यूज करते थे कहीं कहीं। तो आप बम बोले, हमको लगा घर उड़ गिराने का। नहीं नहीं नहीं, छोटा छोटा बम पटाखा है उससे कोई ठीक है, स्लिप ऑफ टंग होने को कैसे काम, उनको मौका देना चाहिए, आज तक मौका ही नहीं दिया गया उनको। तो बहुत अच्छे हैं, कितना सेंसेटिव मुद्दा उठाते हैं, सिर्फ धर्म का नहीं कि ये वो कॉरिडोर खोल देंगे, ये धर्म का कर देंगे। राहुल गांधी अच्छे हैं, उनको मौका देना चाहिए एक बार। यही हम 2 करोड़ रोजगार तो जा रहा है, कोरोना में कितना गया। हम खुद अग्निवीर में एयरफोर्स में मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कर दिया अग्निवीर स्कीम, जो कम से कम परीक्षा पास कर लिए थे आर्मी भी एयरफोर्स में दोनों में, उनको तो कम से कम जॉब देना चाहिए था। जो नोटिफिकेशन पहले वाले स्कीम से था उनको भी रद्द कर दिया। यही तो मैं, नाम क्या होता है, अंदर में लोग ठीक ही नहीं है तो बाहर में क्या नाम होता है? जब जनता अंदर का परेशान है, बाहर में क्या सीना छोड़ा के नाप के मतलब दिखाया जा रहा है कितना, किस देश का सीना कितना बड़ा है प्रधानमंत्री का? लोग खुश रहना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद हम लोग कौन सा अटैक कर दिए हैं किस पे, कौन सा चाइना को हम लोग अटैक कर दिए? लाल लाल दिखाने वाली बात, लाल आँख कहाँ दिखा पाए हैं अभी तक, कहाँ मतलब हटा दिए हैं पीछे। चाइना जहाँ था वहीं है, और आगे भी न्यूज में देखते हैं हम लोग की बढ़ गया है। अच्छा। पहले तो कोई जानकारी स्पष्ट नहीं देना है इन लोगों को, ना कोरोना का आंकड़ा सही दिए हैं, ना बॉर्डर पे सही आंकड़ा दे रहे हैं क्या हो रहा है। पर महागठबंधन सफल हो, मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार के पटना में है और पटना में लगातार युवाओं से हम बातचीत भी कर रहे हैं, और एक युवा साथी है, और 2024 में क्या कुछ होना है उसी पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ महागठबंधन की महाबैठक हुई। भाजपा ने कहा कि बैठक ही नहीं होगी क्योंकि ममता बनर्जी ने और तमाम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। जब साथ आ गए तो भाजपा ने कहा कि सफल नहीं होगी, बस बैठ गए हैं। तो सवाल यह है कि बिहार के युवा, बिहार के जनता 2024 को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या जो है नीतीश कुमार या राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फिर से जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? आशीष तिवारी। तिवारी जी तो क्या करते हैं आप? हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है मतलब बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बीपीएससी की तैयारी जी कर रहे हैं। तो अभी ये बताइए कि महागठबंधन की महाबैठक, तो इस बैठक को किस तरह देख रहे हैं? बैठक सर, बिहार के सारे युवा सारे लोगों को यही कामना है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। 40 लोकसभा सीट होते हुए भी अभी तक बिहार का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। सभी बिहारवासियों का यही कामना है कि बिहार से इस बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही बने, और महागठबंधन सफल हो, मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं कि पटना में मैया गंगा घाट पे हमको माँ गंगा ने बुलाया, मगर उसके बाद एक भी बिहार के विकास सफलता के लिए कोई मीटिंग नहीं किया, आज तक एक भी मीटिंग नहीं किए हैं आज तक, जबकि सबसे ज्यादा वोट उनको यहीं से पड़ा है। मतलब 40 में 39 उनको सीट दिया गया है, लेकिन आज तक भी जितना सारा काम होता है सभी यूपी में देख लीजिए, स्मार्ट सिटी से लेकर सब चीज़ सफाई, क्वेटा वाला जापान का क्वेटा वाला शहर कॉरिडोर सब चीज़ यूपी नहीं तो गुजरात, कुछ बिहार में एक भी विकास का काम बैठक तक नहीं किए हैं, इसलिए कोई जनता उनको वोट देने वाला नहीं है इस पर बिहार में, सभी लोग महागठबंधन के साथ है। तिवारी जी जब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की, तो वो कहते हैं कि बाहर में भारत का बहुत नाम हो रहा है। बाहर में नाम क्या होता है, अंदर में लोग ठीक ही नहीं है तो बाहर में क्या नाम होता है? जब जनता अंदर का परेशान है, बाहर में क्या सीना छोड़ा के नाप के मतलब दिखाया जा रहा है कितना, किस देश का सीना कितना बड़ा है प्रधानमंत्री का? लोग खुश रहना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद हम लोग कौन सा अटैक कर दिए हैं किस पे, कौन सा चाइना को हम लोग अटैक कर दिए? लाल लाल दिखाने वाली बात, लाल आँख कहाँ दिखा पाए हैं अभी तक, कहाँ मतलब हटा दिए हैं पीछे? चाइना जहाँ था वहीं है, और आगे भी न्यूज में देखते हैं हम लोग की बढ़ गया है। अच्छा। पहले तो कोई जानकारी स्पष्ट नहीं देना है इन लोगों को, ना कोरोना का आंकड़ा सही दिए हैं, ना बॉर्डर पे सही आंकड़ा दे रहे हैं क्या हो रहा है चाइना का, एक भी मतलब क्या आगे बढ़े हैं क्या, कि जहाँ था वहीं है पीछे आए क्या पता, ये भी स्पष्ट नहीं है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, तो कुछ हुआ उसमें? 2 करोड़ रोजगार तो जा रहा है, कोरोना में कितना गया। हम खुद अग्निवीर में एयरफोर्स में मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कर दिया अग्निवीर स्कीम, जो कम से कम परीक्षा पास कर लिए थे आर्मी भी एयरफोर्स में दोनों में, उनको तो कम से कम जॉब देना चाहिए था। जो नोटिफिकेशन पहले वाले स्कीम से था उनको भी रद्द कर दिया। यही तो रोजगार का हाल है लोग सरकार में। अच्छा। कुछ रोजगार रोजगार कुछ नहीं है, ना सरकारी है ना प्राइवेट है। हम लोग यहाँ कौन सा प्राइवेट, कोई बता दे बिहार में कौन सा प्राइवेट जॉब है कि यहाँ पे आदमी करे कोई भी।
सबको तो देख रहे हैं कि जगह जगह जाना पड़ रहा है, वहाँ से भगा रहा है कोई, उस स्टेट से भगा रहा है, कहाँ कोई रोजगार है यहाँ पे। अच्छा, ये जब बात होती है कि मोदी जी पैसा भेज रहे हैं मगर नीतीश कुमार लोगों को नहीं दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है सर। सबका आंकड़ा, कौन सा पैसा ऐसा, तो क्यों नहीं वो खुद कर रहे हैं? उनका उनका मंत्रालय, उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, मतलब उनका केंद्र सरकार का कोई काम करने वाला है कि नहीं? एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होता है वो सिर्फ स्टेट का है कि सेंटर का एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है कि नहीं? हम लोग तो पढ़े हैं, सबका अपना अपना होता है, वो विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि अभी ऐसा स्कीम है जो सेंटर स्टेट चाहे और सेंटर उसको, मतलब सेंटर चाहे और स्टेट रोक दे उसको, कोई ऐसा संविधान में प्रावधान है? तो इस कैसे कह सकते हैं कि नहीं? और उनका सरकार नहीं था, एनडीए का सरकार बिहार में नहीं बना है अभी तो 6 महीना पहले, तो उस समय तक कौन रोक रहा था? ऐसा सब सब कुछ नहीं, इस बार यहाँ पे एक भी सीट मिलने वाला नहीं है, उनका जुमला उमला सब गया। इस बार लगता है कि मोदी जी खूब जुमला देते हैं, जुमला वही है तो जुमला देंगे, पूरा जुमला ही दिए ही है वो। बाहर में जाके खाली बड़ा बड़ा फोटो खींचा लेना है शरीर ना, पलवान जिसका सीना है उसे जाके लड़ जाइए ना, जंतर मंतर बैठा पटक देगा उठा के कोई भी। हाँ। सीना से क्या हो गया वहाँ पे? आपको ताकतवर प्रधानमंत्री कौन होता है जो जनता को सुखी रखे, सब काम करे? ताकतवर ही क्या हुआ कि जाके सीना दिखा के फोटो खिंचवा रहे हैं? पलवानी के लिए थोड़ी भेजा गया आपको? कल इंग्लिश बोले प्रधानमंत्री वाशिंगटन में, तो इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिगेटिंग कह दिए, तो सब ठीक है। बाहर गए तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उससे कोई ठीक है, स्लिप ऑफ टंग होने को कैसे काम, उनको मौका देना चाहिए, आज तक मौका ही नहीं दिया गया उनको। तो बहुत अच्छे हैं, कितना सेंसेटिव मुद्दा उठाते हैं, सिर्फ धर्म का नहीं कि ये वो कॉरिडोर खोल देंगे, ये धर्म का कर देंगे। राहुल गांधी अच्छे हैं, उनको मौका देना चाहिए एक बार, यही हम कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम आसिफ हुआ। अच्छा, क्या नाम है? आसिफ। आसिफ, ये बताइए कि महागठबंधन की महाबैठक तो हो गई, तो कुछ निकल रहा है इस महागठबंधन से, कुछ बदलेगा कुछ सिस्टम? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल को कैसे देखते हैं? ठीक है, अप डाउन होता रहा। अच्छा, ठीक है, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं मगर आप। अच्छा, खराब कुछ नहीं, लॉकडाउन मतलब चलता रहा, ऐसा थोड़ी होता है, दोनों कुछ ना अच्छा होगा या खराब होगा। नहीं, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ इसके लिए। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी पहले भी मतलब काम किए हैं पर उससे उतना जनता खुश नहीं है। तो कहाँ प्रधानमंत्री कभी बने? प्रधानमंत्री तो नहीं बने हैं, लेकिन उनके जब कामें नहीं किया तो जनता खुश कैसे रहे? खुले क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं, बम बनाते हैं। क्या बम बनाते हैं? हाँ, बनाते थे पार्ट टाइम में, अब नहीं बनाते हैं। बम बनाते थे? हाँ, आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो बम बना के क्या करते थे भाई? ऐसे पटाखा के रूप में यूज करते थे कहीं कहीं। तो आप बम बोले, हमको लगा घर गिराने नहीं, नहीं नहीं नहीं, छोटा छोटा बम, पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे जी। ये बोलिए यार, नहीं तो अभी जो है सीबीआई आ जाएगा। हाँ बोलिए। अच्छा, तो ये दोस्त राजनीति में ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये बताइए कि 2024 में महागठबंधन को लेकर जो बैठक चल रही है बिहार में, उस बैठक से क्या निकल रहा है? अब बैठक जब क्या निकलेगा आप देखिए, देखने के बाद पता चलेगा। तो मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही मजेदार रहा। क्या मजेदार? और सजेदार भी रहा। अच्छा, मतलब सजा भी मिला, मजा भी मिला। अच्छा, मजा किस बात का? बीबी मिल गई क्या आपको? नहीं, मतलब छूट दे दिए हैं कुछ भी करने के लिए। अच्छा, ठीक है, कुछ भी किसको मिला छूट? मतलब मिला है किसी को मिला, कैसे डायरेक्टली तौर पर बोल दे, हम लोग मजे में है। तो क्या है राहुल गांधी के लिए 2024 क्या है? हम तो राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं, अब आएंगे तब देखिए, कल आए मिले ही नहीं हमसे। आपको क्या लग रहा है भाई, आ रहे राहुल गांधी, कुछ ऐसा कुछ है उम्मीद? देखिए, कोई पर्सनली कोई भी नहीं कह सकता, अब जनता का क्या माहौल है, जैसे हम बोल देंगे तो हो नहीं सकता। अभी तो जनते, आप अपना माहौल बता दीजिए। हाँ, तो देखिए, अगर 5 साल 10 साल के बाद सत्ता पलटती है तो अच्छी बात है, उम्मीद है इस बार। लोहिया जी बोले थे कि सत्ता पलटती रहनी चाहिए। अच्छा, एक नहीं रहना चाहिए। नहीं। अच्छा। क्योंकि उसका मन बढ़ जाता है, कुछ भी करता है। अच्छा। क्या बोलता, तानाशाह हो जाता है एक तरह से। तो है मोदी जी तानाशाह है, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, नहीं। दिख नहीं रहा आपको। तो कई सारे बिहार के साथियों से, युवाओं से बात हुई, जिस पर राहुल गांधी को लेकर थोड़ा सा कई सारे लोग पॉजिटिव सोच रहे, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, सरकार जो है अच्छा भी की है खराब भी की, देखते हैं कि इस बैठक से क्या कुछ निष्पक्ष सामने आ रहा है। रजान सारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।